हे गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप जानते हैं कि मगध महिला कॉलेज में जो एडमिशन का जो प्रोसेस चल रहा है वो अपने सेकंड लिस्ट को कंप्लीट कर चुकी है, और मगध महिला कॉलेज में जो नेक्स्ट एडमिशन का प्रोसेस होगा वो थर्ड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। हालांकि अभी तक थर्ड मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी नहीं किया गया, लेकिन मगध महिला कॉलेज में जो अगर बात की जाए हॉस्टल के अपडेट को लेकर के, तो मगध महिला कॉलेज में जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं इसके बाद आप हॉस्टल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब कहने का कि मगध महिला कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो हॉस्टल के लिए अप्लाई चल रहा है। जो भी सारे तमाम कैंडिडेट जो मगध महिला कॉलेज में हॉस्टल लेना चाहते हैं वो तेज गति से हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दे। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मगध महिला कॉलेज में हॉस्टल लेने का क्या कुछ प्रोसीजर है, किस तरीके से आपको हॉस्टल लेना होता है और हॉस्टल के लिए कितना आपको चार्ज पे करना होता है। तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे पटना यूनिवर्सिटी के मगध महिला कॉलेज हॉस्टल के बारे में, ताकि आपके जो भी सारे डाउट्स हो रिलेटेड टू द मगध महिला कॉलेज के हॉस्टल से वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। एंड गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार का फर्दर क्वेरी रह जाता है तो फिर आप व्हाट्सएप के नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप पे जाकर के आप इसके रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हैं। देख सकते हैं ये मगध महिला कॉलेज का नया हॉस्टल है, जिसके बारे में मगध महिला कॉलेज अपने चर्चा में रहा, और इस चर्चा के विषय में जो मगध महिला कॉलेज का ये जो फेमस हॉस्टल है इसमें भी अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो आपका सेम है। तो कैसे मगध महिला कॉलेज में आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, पहले चलते हैं हॉस्टल में अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। पहले मैं आपको प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ, इसके बाद मैं हॉस्टल से संबंधित जो सारी जानकारी है मैं आपको जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए कि मगध महिला कॉलेज में जो हॉस्टल अप्लाई करने का प्रोसेस है वो बेसिकली तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको इसके, यानी आपका इसके हॉस्टल में एंट्री करने का जो प्रोसीजर है वो बेसिकली तीन स्टेप से जरिए से कंप्लीट होता है। पहला, इसके हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये देख सकते हैं, पहला यहाँ पे अप्लाई हॉस्टल, यानी फर्स्ट स्टेप आपको अप्लाई करना है हॉस्टल के लिए, ये आपका पहला बेसिक स्टेप है अगर आपको मगध महिला कॉलेज में हॉस्टल चाहिए तो। सेकेंड स्टेप है कि जैसे ही मगध महिला कॉलेज का हॉस्टल का जो लिस्ट है वो लिस्ट आएगा तो आपका ड्यूटी बनता है कि आपको लिस्ट चेक करना है कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं। पहला स्टेप अप्लाई करना, सेकेंड लिस्ट में मेरिट लिस्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट में आपको चेक करना है कि आपका नाम है कि नहीं, और तीसरा आपको जो ऑब्जर्व करना है वो है कि जब आपका अलॉटमेंट आ गया इसके हॉस्टल में तो हॉस्टल में क्या करना है, जाकर के सुपरिटेंडेंट से मिलकर क्या करना है, चेकआउट करना, यानी हॉस्टल का पेमेंट वगैरह कर करके फिर आपको हॉस्टल में एंट्री करना है। तो बेसिकली मगध महिला कॉलेज में जो हॉस्टल अलॉटमेंट करने का जो प्रोसीजर है, यानी हॉस्टल लेने का जो प्रोसीजर है, वो आपका कंप्लीट होता है तीन स्टेप के साथ, और तीनों स्टेप के बारे में मैंने आपको बारीकी से मैंने आपको बताया। अब चलिए पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो मगध महिला कॉलेज में अगर आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है तो मगध महिला कॉलेज के ऑफिशियली वेबसाइट पर आइए, जिसका लिंक है मगध महिला कॉलेज.org। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आप जैसे इसके मेन फेज पे आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ आने के बाद आपको सबसे सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आकर के क्लिक करना है जो कि है आपका अप्लाई हॉस्टल वाला लिंक। आपको क्या करना है, अप्लाई हॉस्टल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई हॉस्टल वाले लिंक पर क्लिक करते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें लिखा गया है मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी। इस तरीके से यहाँ देखिए लिखा गया है हॉस्टल यूजर लॉगिन, यानी लॉगिन करना है। लेकिन लॉगिन करने के लिए सबसे बेसिक स्टेप है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। तो यूजर नेम एंड आपके पास पासवर्ड चाहिए यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, क्योंकि अभी आप नए हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, अभी आपका एडमिशन ही कंप्लीट हुआ है। तो मगध महिला कॉलेज का जो हॉस्टल वाला जो पोर्टल, यानी जो हॉस्टल वाला पोर्टल है, इस पर आपको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिलता है लिंक रजिस्ट्रेशन का, आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं इस तरीके का फॉर्म खुलता है, इसमें कुछ बेसिक डिटेल देना है। चलिए आपको डिटेल के बारे में बताते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपका जेंडर, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, यहाँ पे यूजर नेम, यूजर नेम आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर का। जैसे किसी का नाम मान लेते हैं कि सुमिता है तो वो सेट कर सकते हैं sumita@, इस तरीके से वो सेट कर सकते हैं अपना यूजर नेम वगैरह। तो ये आप ध्यान रखिएगा यूजर नेम में। फिर आपको पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड आप ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड आप रखिएगा 6 कैरेक्टर का, जिसमें आप कोशिश कीजिएगा कि आपका कैपिटल लेटर आ जाए, आपका कोई स्पेशल कैरेक्टर आ जाए, इसके बाद आपका कुछ नंबर आ जाए, इस तरीके से आप पैटर्न में सेट कीजिएगा, कुछ स्मॉल लेटर आ जाए, ताकि वो आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है पासवर्ड का बनाने का वो आपका कंप्लीट हो सके। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे चेकमार्क कीजिएगा एक्सेप्ट में, और क्या कीजिएगा, यहाँ से आकर के सबमिट कीजिएगा। जैसे आप सबमिट कीजिएगा, आपका यूजर नेम एंड आपका पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यानी जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल कीजिएगा, इस मोबाइल नंबर पर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या चल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर में मैसेज के जरिए से सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आ जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन आपको मिल जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्योंकि आपके पास आ गया तो अब आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। चलिए लॉगिन करते हैं। यहाँ से फिर देख सकते हैं, यहाँ मिलता है स्टूडेंट लॉगिन का सेक्शन, और स्टूडेंट लॉगिन के सेक्शन पे आकर के यहाँ जो आपका जो लॉगिन करने का जो सेक्शन है, आपको क्या करना है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है। सो ये लॉगिन करने वाला सेक्शन है, यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है। चलिए यूजर नेम एंड पासवर्ड को भरिएगा, इसके बाद का क्या स्टेप होता है ये समझिए।
सो गाइस चलिए लॉगिन करते हैं। हमारे पास एक यूजर नेम एंड पासवर्ड है, देख सकते हैं मेरे पास यूजर नेम है सुमिता123 एंड पासवर्ड इसमें मैं फिल कर चुका हूँ। यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ देख सकते हैं किस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होता है। ये सारा प्रोसेस मैं मोबाइल में कंप्लीट कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं खोलता हूँ तो ऑटोमेटिकली खुल जाता है हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यानी हॉस्टल अप्लाई करने का कितना स्टेप में कंप्लीट होता है ये समझिए। हॉस्टल अप्लाई करने का कितना स्टेप में कंप्लीट होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हॉस्टल अप्लाई बेसिकली 3 स्टेप में होता है। वो मैंने आपको बताया कि हॉस्टल आपको कैसे मिलेगा, वो 3 स्टेप। पहला अप्लाई करना, दूसरा मेरिट लिस्ट में नाम देखना, तीसरा फिर हॉस्टल में जाकर के सुपरिटेंडेंट के जरिए से वो पेमेंट वगैरह का सारा प्रोसेस करके आपको क्या करना होता है हॉस्टल में एंट्री करना होता है अपने लैगेज के साथ। तो वो मैंने बताया कि आपको हॉस्टल मिलेगा कैसे, और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि हॉस्टल अप्लाई कैसे होगा। तो हॉस्टल अप्लाई भी बेसिकली 3 स्टेप से, पहला आपका रजिस्ट्रेशन, या कह सकते हैं हॉस्टल आपका 4 स्टेप में। पहला आपका न्यू यूजर है यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तब आपके मोबाइल में यूजर आईडी पासवर्ड आएगा। इसके बाद ये जो हॉस्टल वाला फॉर्म है, ये हॉस्टल वाला फॉर्म बना सेकंड स्टेप में। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फोर्थ स्टेप में आपको पेमेंट करना होता है 1000 रुपीज के लिए, यानी मगध महिला कॉलेज में अगर आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है तो 1000 रुपीज का आपको क्या करना होता है पेमेंट करना होता है। तो ये 4 बेसिक स्टेप में आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए सेकंड स्टेप में हम लोग एंट्री कर चुके हैं जिसमें हम लोग हॉस्टल के अप्लाई करने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, स्टूडेंट्स का लास्ट नेम, जेंडर, DOB, प्राइमरी ईमेल आईडी, प्राइमरी मोबाइल नंबर, आधार नंबर वगैरह। ध्यान रखिएगा कि जो भी सारे कॉलम में यहाँ पे ऊपर में स्टार मार्क है इसको आपको हर हालत में फिल करना है। तो चलिए ये सारे डिटेल्स को फिल कर रहे थे। फिल करने के बाद यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह मांगा जाता है, आप एड्रेस वगैरह दे दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास फिर आ जाएगा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, क्योंकि मुझे किसी कैंडिडेट का अप्लाई करना नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा जिसका साइज आपका 20 KB से 100 KB के बीच में रहेगा, JPG में आप रखिएगा। तो आप फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। जैसे ही फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिएगा तो फिर आ जाएगा पेमेंट का ऑप्शन, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जब आप कीजिएगा तो आपसे 1000 रुपीज़ का पेमेंट लेगा। पेमेंट कीजिए, इसके बाद ये हॉस्टल अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप फॉर्म भरते हैं फॉर्म आप बस आप सही से भरिए ताकि आपका फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, तो फिर आपका हॉस्टल का एप्लीकेशन जो फॉर्म आपका जो ऑनलाइन कीजिए वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब समझिए, जैसे ही आपका हॉस्टल अप्लाई करने का टाइम ओवर होगा, मतलब कहने का मतलब कि जो भी एडमिशन चल रहा है मगध महिला कॉलेज में, या कह सकते हैं जो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहा है, इसका जो मेरिट लिस्ट आएगा वो आपका सितंबर में आएगा। यानी सितंबर में आपका लगभग 20 सितंबर के आसपास, यानी जब आपका क्लासेस चलना स्टार्ट होता है उसी के 3 से 4 दिन बाद ऑन एन एवरेज आपका जो हॉस्टल का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है मगध महिला कॉलेज का, वो हॉस्टल का लिस्ट आ जाएगा। हॉस्टल का लिस्ट आएगा, आप हॉस्टल में अपना नाम देखिएगा कि आपका हॉस्टल वाले लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, जब 20 सितंबर के आसपास आएगा। अगर आपका हॉस्टल के लिस्ट में नाम रहेगा तो फिर आपको क्या करना है, ऑनलाइन आपको क्या करना है, कॉलेज जा करके वहाँ के जब आप जाइएगा हॉस्टल में अपना मतलब कह सकते हैं कि रूम लेने के लिए, या कह सकते हैं जब आप लैगेज के साथ जाइएगा, उसके पहले आपको 10,000 रुपीज़ का आपका जो ईयरली चार्ज है इसके हॉस्टल्स का वो आपको पे करना है। फिर इसका मंथली चार्ज आपको लगभग 4,000 के आसपास पड़ता है। तो कह सकते हैं कि टोटल आपका एक साल का खर्च पड़ता है हॉस्टल में यहाँ से आपका 48,000 और यहाँ से आपका 10,000 और, यानी कह सकते हैं कुल मिलाकर के मगध महिला कॉलेज के हॉस्टल में एक साल का रहने का खर्च पड़ता है 58,000 रुपया, जिसमें मेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। तो इस तरीके से आप हॉस्टल के लिए मगध महिला कॉलेज में एलिजिबल हो जाते हैं और इस तरीके से आपको हॉस्टल मिलता है। नेक्स्ट वीडियो और मैं एक लाऊंगा मगध महिला कॉलेज के हॉस्टल के बारे में, जिसमें इसके तमाम सारे हॉस्टल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज, आशा करता हूँ ये हॉस्टल्स का जो आपका अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसीजर है ये आप जरूर समझ गए होंगे। बाकी जो अदर कॉलेज हैं जिसमें हॉस्टल आपको कैसे मिलता है एक एक करके सारे वीडियोज़ के जरिए से मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।